हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दी केमिस्ट्री ऑफ प्रीशियस हेल्थ। हम सब जानते हैं कि जहां एक तरफ हमारे देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जारी है, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। वैक्सीन अभी हमारे देश में दो क्राइटेरिया पर लगाई जा रही है, एक जो 18 से 44 साल के लोग हैं उनको और दूसरा जो 45 प्लस एज के हैं। ऐसे में वैक्सीन लगने से पहले और वैक्सीन लगने के बाद कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सब के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। आज हम उस सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार जब आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया और उसके बाद अब जब जा रहे हो आप वैक्सीन लगवाने के लिए, तो उस दिन आपको कुछ सावधानियां ज़रूर बरतनी चाहिए। सबसे पहले है कि वैक्सीनेशन कभी भी खाली पेट नहीं लगवानी चाहिए। आपको ये एडवाइस दी जाती है कि आप जिस दिन भी वैक्सीनेशन लगवाने जाएँ उस दिन वैक्सीन से पहले कुछ ना कुछ हेल्दी ज़रूर खा के जाएँ। दूसरी चीज़, जिस दिन आपको वैक्सीन लगवाने जानी है उस दिन आपको ये एडवाइस दी जाती है कि उस रात को आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। यानी अगर आपको कल वैक्सीन लगवाने जाना है तो आज की रात आपको कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी बूस्टअप रहे। पानी खूब पीना चाहिए, पानी की कमी आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए, जिससे कि डिहाइड्रेशन होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। तो पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए खूब अच्छे से और खूब ज़्यादा से ज़्यादा, वैक्सीन लगने से पहले भी और वैक्सीन लगने के बाद भी। ये तो थी कुछ सावधानियाँ वैक्सीन लगने से पहले। वैक्सीन लगने के बाद आपको कम से कम सबसे पहले आधे घंटे उस वैक्सीनेशन सेंटर पर ही रहना है, ताकि आपको मॉनिटर किया जा सके कि आपको वैक्सीन लगाने के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं। अगर सब कुछ ठीक है तो आप आधे घंटे बाद बेशक अपने घर जा सकते हैं। एक बार जहां आप अपने घर आ गए, वहीं दूसरी ओर आपको थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ सिम्टम्स देखने को ज़रूर मिलेंगे। सबसे पहला है कि आपको थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस ज़रूर होगी, मसल्स पेन होंगे, हाथ पैर में दर्द थोड़ा थोड़ा महसूस होगा, अंदर से थोड़ा थोड़ा बुखार जैसा मन लगेगा और थोड़ी सी थकान जैसी लगेगी। कुछ लोगों को फीवर भी आ सकता है, जो कि एक बहुत अच्छा सिम्टम है। अगर आपको ये सब दिक्कत है और थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा लग रही है तो आप एक पैरासीटामोल भी खा सकते हो। साथ ही साथ जिस हाथ में आपने वैक्सीन लगवाई है, जहाँ पे आपने इंजेक्शन लगवाया है, उस पॉइंट पे थोड़ा सा आपको दर्द हो सकता है, वहाँ पे थोड़ी सी सूजन आपको ज़रूर देखने को मिल सकती है और उस हाथ में भी थोड़ा सा दर्द आपको देखने को मिलता ही मिलता है। ये सारे सिम्टम्स आपको 2 से 3 दिन देखने को मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन। उसके बाद नॉर्मली आप बिल्कुल पहले जैसे ही हो जाओगे और आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा। बाकी जिस दिन आपको वैक्सीन लगी है उस दिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें, कोई ज़्यादा भारी काम ना करें, तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ एक चीज़ आपको और बहुत ज़रूरी ध्यान देना है, वो ये है कि एक बार आपको वैक्सीन लग गई, इसका मतलब आपको ये नहीं है कि आप अब बिना मास्क के कहीं भी जा सकते हो और कहीं भी घूमने जा सकते हो। वैक्सीन लगने का मतलब ये नहीं है कि आप मास्क फ्री हो गए और आप कोरोना गाइडलाइंस का कोई भी फॉलोअप नहीं करें। इनफैक्ट जितनी भी रिसर्च आई है वो ये बताती हैं कि वैक्सीन लगने के कम 15 से 20 दिन बाद हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है कोरोना वायरस के खिलाफ। तो बिल्कुल वैक्सीन लगाने के बाद बिल्कुल आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, आपको तब भी सावधानी बरतनी ही बरतनी है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी पूरी वैक्सीनेशन प्रोसेस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों की भी मदद हो पाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए।